तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नई लॉन्च होने वाली है वॉच, रियलमी वॉच एस प्रो। अभी FCC में टेस्टिंग के लिए गई है, तो होपफुली एक महीने तक लॉन्च हो जाएगी और होपफुली भारत में भी शायद वो तभी रिलीज़ कर देंगे, नहीं तो कम से कम चाइना में तो हो ही जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वॉच निकाली है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको फीचर्स बताता हूँ इसके। ये आने वाली है 1.39 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले के साथ। इसका जो डायल शेप रहेगा सर्कुलर रहेगा। रिजोल्यूशन देखिए, 454x454 पिक्सल्स का इसका रिजोल्यूशन है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें मोशन वॉच फेसेस है, जैसे कि आपने एप्पल की वॉच या ओप्पो की वॉच में देखा होगा। इसके साथ ही इसमें ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन है। तो पहले हम क्या करते हैं, जनरली वर्कआउट सेलेक्ट करते हैं फिर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। इसमें आप वर्कआउट शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। बॉडी की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो मेटल केस से बनी है। स्विमिंग के लिए इसमें 580 प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। सिलिकॉन का स्ट्रैप है इसमें हमको मिलने वाला, अभी ब्लैक कलर आप देख सकते हैं जो लीक हुआ है। उसके अलावा इसमें म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल है। बैटरी जो है कंपनी क्लेम करे 420 mAh की, और आई थिंक वो 10 दिन से ज़्यादा तो चलनी ही चाहिए। उसके अलावा मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। घड़ी का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, 64 ग्राम, क्योंकि पूरी मेटेलिक घड़ी है। उसके अलावा इसके अंदर दो फ्लैट बटन लगे हुए हैं राइट साइड पे, और ड्यूअल GPS सपोर्ट इसमें देखने को मिले, GPS एंड ग्लोनेस का। उसके अलावा जो आजकल के काम के सेंसर होते हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ये सारों से घड़ी लेस है। तो दोस्तों इसका प्राइस मेरे ख्याल से अगर मैं आज की मार्केट से इसको कंपेयर करूँ तो कम से कम 8,000 रुपये के करीब तो इसका प्राइस होना बनता है इतने सारे फीचर्स के साथ। बाकी देखते हैं इसमें SpO2 और ब्लड प्रेशर या जो टेम्परेचर मॉनिटर होता है वो इसमें होंगे नहीं होंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये घड़ी बहुत ही धमाल करने वाली है, पूरी Huawei वॉच फिट को टक्कर देने वाली है और ज़बरदस्त इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।